सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी फुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। गाइज, सीएसएस बेसिक्स के हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएसएस की एडवांस सीरीज। सो गाइज, सीएसएस की एडवांस सीरीज का पार्ट नंबर वन है ये। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप राउंडेड सर्कल बना सकते हो। तो जैसा कि गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हमारी जी मेल आई डी लॉगिन होते हैं तो देखो ये सर्कल में देखो ये इमेज दिखती है ना। तो ये सीएसएस की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक है, अगर मैं फेसबुक पे इस इमेज पे क्लिक किया लॉगिन करने को, तो देखो ये इमेज यहाँ थी रेक्टेंगल में, देखो यहाँ आ गई सर्कल में। तो जो सर्कल में आती है गाइज, ये आती है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की हेल्प से। और जो ये ओपन हुआ है इस पर क्लिक करके, ये तो मॉडल है, ये बूटस्ट्रैप में आएगा, आगे बताऊँगा जब बूटस्ट्रैप की सीरीज आएगी। तो कुल मिला के गाइज, जो ये सर्कुलर में आ रही है इमेज, ये हम कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस से। और जो आपको ये दिख रहा है ये कार्ड बना हुआ है, तो ये जो साइड में ऐसे यहाँ से थोड़ी सी सर्कुलर है, तो ये भी आप बॉर्डर रेडियस की हेल्प से कर सकते हो। तो विथ और हाइट लेके और बॉर्डर रेडियस लेके थोड़ा सा चारों ओर से थोड़ी सी गोलाई आ सकती है। तो यही सीखेंगे, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। सी एस एस राउंडेड कॉर्नर, सी एस एस की बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की हेल्प से गाइज हम राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं। सी एस एस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ऑल राउंडेड कॉर्नर्स टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स पे राउंडेड कॉर्नर्स। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये देख रहे हो जो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके चारों ओर भी ये बॉर्डर है, और बॉर्डर में भी देखो ये थोड़ा सर्कुलर है ना, तो इसमें बॉर्डर रेडियस गाइस यूज़ हुई है। तो ये जो थोड़ा सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को। सी एस एस बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी डिफाइन करती है रेडियस ऑफ एन एलिमेंट कॉर्नर, उस एलिमेंट्स के कोनों की रेडियस जो होती है। जैसे पढ़ाई आपने सर्कल, उसमें तो ये अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफाइड बैकग्राउंड कलर। सपोज कीजिए बैकग्राउंड कलर ग्रीन है या ब्लैक है कोई भी, तो उसमें अगर कहीं पर बॉर्डर रेडियस लगा रखे चारों डायरेक्शन में, तो विद ए स्पेसिफाइड कलर राउंडेड बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस राउंडेड कॉर्नर। सेकेंड वन क्या है, राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एन एलिमेंट विद ए बॉर्डर, पहले में तक किसी बैकग्राउंड कलर है इसमें, यह कि बॉर्डर है कोई और उसमें यही है बॉर्डर में राउंडेड कॉर्नर्स। थर्ड है गाइज राउंडेड कॉर्नर्स फॉर एलिमेंट विद ए बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के साथ। तो गाइज हम यही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिखाने के लिए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है राउंड कॉर्नर, क्या क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, विथ हाइट और पैडिंग, विथ और हाइट देनी पड़ेगी अगर कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, पैडिंग गैप देने के लिए, बैकग्राउंड कलर पहले वाले एग्जांपल में था, और बॉर्डर रेडियस यूज़ होनी है। ओके गाइस, तो अभी हम आते हैं अपने पेज पे, एचटीएमएल पेज पे। तो मैंने ये इतना नॉर्मल कोड लिख रखा है। ओके, तो गाइस मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा और सेव एज करूँगा सबसे पहले। और अभी तक गाइस हम ई ड्राइव में सेव कर रहे थे अपने प्रोग्राम सीएसएस के। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा गाइस सीएसएस नाम का फोल्डर, आ गया मैं इसके अंदर। इसके अंदर गाइस मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा गाइस एडवांस, एडवांस सीएसएस। तो मैंने ये बनाया, और गाइस इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक नाम दे दूँगा इसका, डबल कोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो नाम हम देंगे डबल कोट्स में राउंडेड कॉर्नर्स सी एस एस वन, क्योंकि ये एडवांस का तो वन ही पार्ट हुआ, वन डॉट एच टी एम एल। तो डबल कोट्स लगा लेना और सेव कर लेना, एच टी एम एल एक्सटेंशन सेव हो जाएगी। और राइट गाइस, तो सर लेट से हमने एक पैराग्राफ बनाया और पैराग्राफ क्लोज किया, पैराग्राफ की हमने आई डी दे दी गाइस, लेट से राउंड कॉर्नर, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या था कि हमें बैकग्राउंड कलर के साथ देखना है बॉर्डर रेडियस, तो हमने क्या करा गाइस, आईडी है तो देखो हेड टैग के अंदर गए, स्टाइल टैग ओपन किया, स्टाइल टैग कर लिया क्लोज, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हो चाहे तो टाइप टैग स्लैश सीएसएस और रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सेट, तो इतना लिख लिया, चाहे तो मत भी लिखो फिर भी चल जाएगा। तो अब क्या है, आईडी यहाँ पे थी, आईडी को कॉपी करेंगे और ऊपर जाएंगे, आईडी है तो जाहिर सी बात है हैज लग के एक्सेस होगी, और आईडी को हमने एक्सेस कर लिया। और इसकी हम एक विड्थ दे देते हैं, लेट्स से हमने दे दी 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं लेट्स से हम यहाँ दे दे रहे हैं 150 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं, और हमने गाइस यहाँ पे हमने
ई ड्राइव में सेव किया है। ई ड्राइव में हम आते हैं सी एस एस फोल्डर में, और ई ड्राइव में सी एस एस फोल्डर में एडवांस सी एस एस में है, और इसमें हमारा ये वाला पेज। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो देखो अभी ये ब्राउज़र पे आ गया पेज। ओके, लेकिन इस पेज पे कुछ दिखा नहीं क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर लगाया नहीं। तो लेट से हमने यहाँ लगा दिया बैकग्राउंड कलर, तो लेट से हमने लिख दिया हैज़ 4CAF50। ओके, सेव करते हैं और अगेन आते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो 200 पिक्सल विथ और 150 पिक्सल हाइट का कंटेनर बन गया। ठीक है गाइस, लेकिन हमें बॉर्डर रेडियस दिखानी थी, तो लेट से हमें यहाँ पे दिखाना है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया मान लो हमने 10 पिक्सल, ये चारों डायरेक्शन से हो जाएगी, जैसे उसमें होता ना पैडिंग में मार्जिन में, वैसे ही देखो थोड़ी सी आ गई सर्कुलर यहाँ से 10 पिक्सल चारों तरफ से इक्वल। तो ये है भाई गाइस पैडिंग, सॉरी पैडिंग नहीं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। चाहे तो आप पैडिंग ले सकते हो ताकि साइड लेफ्ट साइड से इधर से कहीं से भी मिल के ना आए थोड़ा, तो वो चीज़ कर सकते हो। लेट से हमने यहाँ दे दी पैडिंग 30 पिक्सल हर डायरेक्शन से। तो सेव करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं, तो देखो अभी गाइस यहाँ पे आ रहा है। ओके, अभी देखो कंटेनर की भी बढ़ जाती है 200 और 150 पिक्सल गाइस हमने हाइट दी और बैकग्राउंड कलर लेके गाइस हमने दिखा दिया बॉर्डर रेडियस कैसे लगती है। ओके, ये तो हो गया गाइस हमारा फर्स्ट चीज। तो ये हो गई गाइस हमारी फर्स्ट चीज। अब हम गाइस इसकी नेक्स्ट चीज करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, हम एक बॉर्डर वाला एग्जांपल भी था है ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसे करूँगा कॉपी और यहाँ कर दूँगा पेस्ट, यहाँ इसका नाम कर दूँगा बस 2 और कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट मार दूँगा और यहाँ पे कर दूँगा। अब देखो सेम यही वाली प्रॉपर्टी रख लूँगा, बस फ़र्क क्या करूँगा बैकग्राउंड नहीं लगाऊँगा इस बार, इस बार बॉर्डर लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर मैं हटा लूँगा यहाँ से, अब सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो अभी कुछ नहीं आया, वाला तो हमने कमेंट कर दिया था तो इसलिए वो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब देखो बॉर्डर तो देना है हमें, बॉर्डर लेट से 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। नहीं पाया तो बेसिक की वीडियो देख लो, बॉर्डर की प्रॉपर्टी सब मिल जाएंगी। आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखो साइड में बॉर्डर रेडियस भी लगी हुई है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा सेकंड वे। अब थर्ड क्या था, इमेज के साथ राइट। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं गाइस राउंडेड कॉर्नर 3। ठीक है, और इतने को भी हम सेव रखते हैं। ठीक है, और बॉर्डर वॉर्डर हम नहीं रखते फिलहाल। लेट से हमने यहाँ रख दी बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हमने कर दिया लेट से URL। आपको यहाँ पे इमेज डालनी पड़ेगी, तो लेट से मैं एड्रेस पे गया और CSS फोल्डर में मेरी कहीं ना कहीं कोई छोटी सी इमेज पड़ी होगी 2-3 KB की। नहीं, ये तो बड़ी इमेजेस हैं, बिग इमेजेस। इमेजेस के अंदर हाँ ये मिल जाएगी, कोई सी लग जाएगी, ये वाली लग जाएगी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर दूँगा इसे, तो क्या है ना उस फोल्डर में रहेगी, बहुत ईजी रहेगा, यहाँ से भी एक्सेस हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा पाथ बड़ा क्यों करना ज़बरदस्ती में। तो बैक किया और एडवांस CSS में आई। ठीक है गाइस, पेज कर दिया, IMG नाम है। ठीक है, इसी फोल्डर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा img.jpg। ठीक है, इतना कर लिया। तो हमें भाई बैकग्राउंड की पोजीशन देनी पड़ेगी, तो बैकग्राउंड की हमने पोजीशन दे दी। नहीं देखी तो बेसिक की वीडियो देख लो, उसमें सब प्रॉपर्टीज कवर है बैकग्राउंड बॉर्डर सब प्रॉपर्टी के साथ। तो बैकग्राउंड पोजीशन लेट से हमने दे दी लेफ्ट टॉप, या टॉप लेफ्ट दे सकते हो जहाँ पर भी देनी हो। ओके, पिक्सल में भी दे सकते हो। तो बैकग्राउंड पोजीशन दे दी। अब क्या है, बैकग्राउंड रिपीट हो ना हो, बैकग्राउंड रिपीट एक्स पे हो या वाई पे ना हो, तो बैकग्राउंड रिपीट करना है मुझे। बैकग्राउंड रिपीट में लिख दिया रिपीट और बाकी सेम प्रॉपर्टी हैं। अगर हम सेव करते हैं, ओके गाइस सेव किया हमने, और यहाँ पर हम नाम कर देते हैं इसका 3। तो एक का 2 है, तो इसका नाम कर देते हैं हम 3। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आते हैं और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे इमेज आ गई है, और ऊपर वाले में देखो वो था और ऊपर वाले बैकग्राउंड वाला मैंने कमेंट कर रखा है फिलहाल के लिए। तो देखो इमेज का अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो गाइस, आप बॉर्डर दे सकते हो, है ना, बॉर्डर
4 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। सेव किया, ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हो गाइस कितना सही लग रहा है। तो इस बेस पे गाइस हमने ये तीनों चीज़ देख ली। ओके, ये वाला एग्जांपल तो हमारा क्लियर हो गया। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी गाइस एक्चुअली एक छोटी वेल प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग डायरेक्शन से देख सकते हैं कि कहाँ से कितना गैप रखना है। जैसे कि अगर हमने बॉर्डर रेडियस अभी तक दी गई सिर्फ 15 पिक्सल या जितनी भी दी, तो क्या था, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों डायरेक्शन से हो जाती थी गई बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल, ठीक है। लेकिन कायदे में अगर आपको किसी चारों डायरेक्शन की खुद अलग अलग देनी हो, या 3 की देनी हो, 2 की देनी हो और वो अप्लाई हो, तो वो कैसे होती है वो बताता हूँ आपको। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी है, उस लाइन में सारा लिख लो अलग अलग। वैसे देखो क्या क्या है, बॉर्डर रेड टॉप लेफ्ट, देखो टॉप लेफ्ट में पढ़ा ना, बॉर्डर टॉप लेफ्ट, जो भी बॉर्डर है इसका, इसके टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में, बॉटम राइट में, बॉटम लेफ्ट में, ये 4 पोजीशन होती हैं। ओके, तो सबसे पहले वाली क्या है, 4 वैल्यू वाली। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ 15, 50, 35 है, तो 15 का मतलब ये देखो 4 अगर है ना वैल्यू दिए हैं, तो क्या है इसका मतलब है टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, तो 15 लग जाएगी यहाँ पे। तो ये देखो थोड़ा सा कम सर्कुलर है, 50 है यहाँ पे, तो देखो थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर है, 30 है यहाँ पे, तो थोड़ा उससे कम है कंपेरेटिवली, यहाँ है 5, तो देखो ये थोड़ा सा प्लेन से जा रहा है, बहुत स्ट्रेट और थोड़ा सा दिख रहा है। तो ये है चारों डायरेक्शन से देने के लिए, तो ऐसे होता है, यूँ घूम जाता है पूरा उल्टा, तो टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। अगर 3 वैल्यू होंगी तो कैसे होगा, अगर 3 वैल्यू यदि मान लो 15, 50, 30 है, कितने भी पिक्सल, तो 3 में क्या होगा, एक तो ये पहले वाली पड़ेगी, ये यहीं से स्टार्ट करेंगे टॉप लेफ्ट, और फिर हम आएंगे टॉप राइट में, और 3 वाले में टॉप राइट में ये होगा, तो इसके डायगनल में आ जाओ यूँ, तो टॉप राइट, ये क्या है बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट में एक लगेगी, सेम प्रॉपर्टी बीच वाली 50 पिक्सल, और 30 पिक्सल बचेगी इधर वाले के लिए टॉप बॉटम राइट के लिए। फिर आएंगे 2 वैल्यू में, 2 वैल्यू में क्या होगा गाइस, 2 वैल्यू में भी डायगनल वाला हिसाब होगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट में लग जाएगा पहले वाली वैल्यू 15, और टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट में 50 पिक्सल लग जाएगी। और अगर आपने एक वैल्यू दिया 15 पिक्सल या 20 पिक्सल जो भी है, तो चारों डायरेक्शन से सेम लग जाएगी। तो गाइस बस इतनी सी चीज़ है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं गाइस, ओके, तो लेट्स से हम यहाँ पे गाइस कमेंट हटाते हैं, ओके, और हम यहाँ पे आते हैं, और लेट्स से हम यहाँ पे बॉर्डर दे दी 10 पिक्सल, तो लेट्स से मैंने यहाँ दे दी गाइस 10, और 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 15 पिक्सल, और एंड में दे दी गाइस मैंने 20 पिक्सल, तो हो गया 10, 20, 15 और 20। तो अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करेंगे, तो आप फर्क खुद देखोगे, 10, 20, 15, और देखो यहाँ से देखो कितना आ रहा है। ओके गाइस, तो गाइस की हो गई चारों डायरेक्शन से। अगर गाइस मैं यहाँ से इसे हटा लूँ 15 को, यहाँ कर दूँ मैं 40, तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। तो गाइस जब 4 प्रॉपर्टी, तो क्या था, इधर से टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ऐसे लगती थी। अब है 3 प्रॉपर्टी, तो पहले वाली लगेगी यहाँ पे 10 पिक्सल, 40 लगेगी यहाँ पे और इसके साइड वाले में, सामने वाले डायगनल में, और इसमें बची हुई प्रॉपर्टी लगेगी। तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे कम लगी है, और यहाँ पे ज़्यादा हमने वैल्यू दी थी, फिर यहाँ पे कम है, और यहाँ पे सेम है। तो गाइस 3 वाले में ये हो गया। और अगर हमें 2 वैल्यू दें हम यहाँ पे, तो लेट्स से हमने यहाँ दे दी 10 पिक्सल, यहाँ दे दी 20 पिक्सल, तो क्या होगा, इधर में 10 आएगी, और यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से और इधर में 20 आएगी। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो देखना यहाँ से थोड़ा कम होगा, और यहाँ से इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा सर्कुलर होगा। तो कहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है, बहुत कम है, और देखो यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर दिख रहा है 20, और इसमें सेम सा दिख रहा है। तो ये है 2 प्रॉपर्टी पे। और अगर आप एक वैल्यू दोगे तो वही चारों डायरेक्शन में गाइस लगती हैं। तो गाइस अब हम आज के मेन चीज़ पर आए थे, इसके लिए हमने आपसे कहा था कि क्लास जो थी मेन, तो हमने आपसे गाइस एक वादा किया था कि ये हम बनाना सीखेंगे कैसे ये होता। तो बाद में तो ये इमेज साइज हो जाती है, इमेज डेटाबेस से आ रही होती है, सेशन में स्टोर कर लेते हैं जब कोई लॉगिन करता है यूज़र, तो बस उसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं एक वैल्यू में, एक अलग से डिव लेके कुछ भी, तो उसमें इमेज जैसे IMG टैग लिखते हैं, SRC में जहाँ से आ रही होती है वो पाथ, उसे एक जगह स्टोर कर देते हैं वो वेरिएबल का नाम, तो वो डायनामिकली आती रहती है। अब बात ये होती है ऐसे दिखेगी कैसे, तो वही चीज़ मैं गाइस अब आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पे पिक्सल में दी,
लेट्स से हम यहाँ देते हैं गाइस बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, तो कंट्रोल एस किया और हम आते हैं ब्राउज़र पे, और गाइस अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो अब इसको गाइस सर्कुलर में हमारे हमें मिल गया। तो इसके अंदर इमेज आ सकती है, तो इसका साइज़ कम कर दोगे तो ऐसा दिखेगा ना। सो गाइस इस बेस पे ये प्रॉपर्टी चलती हैं। सो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी आई थी। बॉर्डर रेडियस ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, वही बॉर्डर रेडियस में सारी प्रॉपर्टी देते हैं हम, 20 पिक्सल 20 पिक्सल, वो उसमें मैंने बता दिया कौन कौन से डायरेक्शन से पढ़ रही है। चाहे तो आप ऐसे ना लिखना चाहो कि बॉर्डर रेडियस कॉलन करके 15 पिक्सल 20 पिक्सल 10 पिक्सल 5 पिक्सल, तो आप क्या करो बॉर्डर टॉप लेफ्ट से रेडियस कॉलन करके 15 पिक्सल सेमी कॉलन, नेक्स्ट लाइन में बॉर्डर टॉप राइट से इधर से 20 पिक्सल, तो बॉटम राइट से इतने रेडियस इतने पिक्सल, और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट में तो इधर साइड आएगा तो रेडियस जो है वो आ जाएगा। तो गाइस आई होप आपको आज की क्लास गाइस अच्छी लगी होगी। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।